मैं हूं अनुजा और आपका स्वागत करती हूं एक बहुत ही यूनिक, बहुत ही अद्भुत प्रोग्राम में, जिसका नाम है ज़ायरोपैथी हेल्पिंग ह्यूमैनिटी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सफ़ेद दाग के बारे में। सफ़ेद दाग एक ऐसी पीड़ा है जो ना ही शारीरिक और मानसिक तौर पे आपको अफेक्ट करती है, बल्कि आपके ऊपर कई तरह की पाबंदियाँ भी लगा देती है। तो क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे हम इन पाबंदियों से राहत पा सकते हैं, या क्या ज़ायरोपैथी इसमें हमारी कोई मदद कर सकती है? चलिए, लेट्स फाइंड आउट। ज़ायरोपैथी, वो विज्ञान जो फूड सप्लीमेंट्स के जरिए स्वस्थ जीवन प्रदान कर सकता है। और मानव जीवन से जुड़े इस विज्ञान के जनक हैं नरेश जी और उनकी सहयोगी कामायनी, जो पिछले कई सालों से इस थेरेपी पर शोध कर रहे थे, जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स और डिजीजेस के नियंत्रण और रोकथाम में काम आ सके। इनके अथक प्रयास और एक्सपेरिमेंट से इन्हें एक सिद्धांत मिला, जिसे व्यवहारिक जीवन में ज़ायरोपैथी कहा गया, जिसका मतलब है एक ऐसी थेरेपी जो इंसानों की ओवरऑल वेलबीइंग के लिए है। इसके एक्सपर्ट्स कामायनी और नरेश जी लगातार कई सालों से ज़ायरोपैथी के जरिए लोगों की प्रॉब्लम्स दूर कर रहे हैं और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सो फ्रेंड्स, डिड यू जस्ट नोटिस कि कैसे ज़ायरोपैथी इतने डिटेल्ड तरीके से हर हेल्थ इश्यू को एनालाइज करती है और उसको ओवरकम करने में हमारी हेल्प करती है? अब ये सब कैसे होता है, ये हमें बताएंगे खुद ज़ायरोपैथी के जन्मदाता नरेश जी। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार नरेश जी। नमस्कार अनुजा जी। ज़ायरोपैथी में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, अगर आपको भी सफ़ेद दाग की प्रॉब्लम है या किसी अन्य हेल्थ प्रॉब्लम से आप ग्रसित हैं और आप ज़ायरोपैथी के माध्यम से इसका इलाज जानना चाहते हैं, इसके बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं, बस फ़ोन उठाएं और नरेश जी को कॉन्टैक्ट करें। डिटेल्स ऑलरेडी आपके स्क्रीन पर हैं। मैं आपको सिर्फ यही सजेस्ट करूँगी कि जल्दी जल्दी ज़ायरोपैथी को अपना लीजिए। नरेश जी, सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि सफ़ेद दाग क्या होता है? अनुजा जी, जैसे कि इसका नाम है सफ़ेद दाग, यानी कि त्वचा का सफ़ेद रंग। इसका मुख्य कारण है मेलानिन की कमी, एक ऐसा सब्सटेंस जो स्किन को कलर देता है जी। जब इसकी कमी हो जाती है तो उस जगह की जो स्किन है, त्वचा है, वो सफ़ेद पड़ जाती है। कई बार इसको डिसकलरेशन के रूप में भी देखा जाता है, कई बार मेलानिन की मात्रा बढ़ जाती, तो इस कारण से भी आपको डिफरेंट पैचेस दिखाई देने लगते हैं। बची हुई स्किन वाइट दिखती है और जहाँ मेलानिन के वो डार्क स्पॉट्स, तो इस तरीके की सिचुएशन को भी सफ़ेद दाग ही लोग कहते हैं। अच्छा, इसके क्या सिम्टम्स होते हैं? बस यही एक इंडिकेशन होता है कि सफ़ेद दाग इसका दिखते हैं? जी जी, इसका कोई और इंडिकेशन नहीं है। अच्छा, सिर्फ सफ़ेद दाग दिखना ही इसकी सबसे बड़ी समस्या है। ये किन कारणों से होता है नरेश जी? इसके बहुत सारे कारण हैं। एक तो मैंने जैसा बताया आपको, मेलानिन का कम होना, या दूसरा किसी भी जगह चोट लग जाना। चोट लग जाने के कारण भी जो निशान छूट जाता है वहाँ की स्किन वाइट हो जाती है और धीरे धीरे ये एक्सपेंड होने लगती है। ओके। इसी तरीके से कोई सर्जरी का स्पॉट है जहाँ ये सेल्स कुछ वाइट हो जाते हैं और धीरे धीरे वो बढ़ने शुरू हो जाते हैं। अच्छा। तीसरा, इसमें किसी तरीके का केमिकल रिएक्शन, यानी कि किसी दवा का इंटरैक्शन, किसी दवा को खाने के बाद भी इस तरीके की समस्या कई पेशेंट्स में मिलती है। ओके, सो हाउ डू यू डायग्नोज इट, लाइक एक कंफर्मेशन के लिए कि ये जो हुआ है स्किन में वो सफ़ेद दाग ही है? एक्चुअली इसका कोई स्पेसिफिक वो कन्फर्म करने के लिए नहीं है। अच्छा। ना ही कोई टेस्ट है। अच्छा। ये आपको पेशेंट से जानकारी लेनी होती है, उससे पूरी डिटेल्ड डिस्कशन करनी पड़ती है। ओके। जिसके जरिए हमें ये पता चलता है कि इसका क्या कारण हो सकता है। ओके ओके ओके। और उस कारण के अनुसार फिर सप्लीमेंट्स का कॉम्बिनेशन का उन्हें सुझाव दिया जाता है। नरेश जी, अक्सर हमने एक और इस स्किन प्रॉब्लम के बारे में सुना है जिसे कहते हैं विटिलिगो, और अक्सर लोग इसको रिलेट करते हैं सफ़ेद दाग के साथ, तो क्या ये एक ही चीज़ है या इट्स अ डिफरेंट थिंग? चूंकि लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है, इसलिए हर सफ़ेद दाग को विटिलिगो कहा जाता है जी। वैसे ये सफ़ेद दाग कारण स्पेसिफिक होता है और यदि उस कारण को ठीक किया जाए तो ये ठीक हो जाते हैं। ओके, सो इज इट कम्युनिकेबल? नहीं, ये बिल्कुल भी कम्युनिकेबल नहीं है और ये इंडिविजुअल जिसको है
उसके ही शरीर में रहता है, ये किसी को ट्रांसमिट नहीं हो सकता। अच्छा, इन्फेक्शियस नहीं है। जी, इन्फेक्शियस नहीं। ओके ओके, बट आई एम श्योर आपके ही पेशेंट्स ने जिन्होंने ज़ायरोपैथी अपनाई है उनको काफ़ी फ़ायदा हुआ है इन सफ़ेद दागों में जब से उन्होंने इसका ट्रीटमेंट लेना शुरू किया। और आपकी एक पेशेंट से हमारी मुलाकात हुई जिनका नाम था मेवा देवी, और उनका ए वी हमारे पास है और वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हैं। सो लेट्स सी व्हाट शी हैज़ टू से। मेरा नाम मेवा देवी है और मैं कुतुबगढ़ के रहने वाली हूँ। मेरे को ना पैर पे ना खारिश का निशान हुआ था एक छोटा सा, मैंने खूब दवाइयाँ ली, मुझे कुछ आराम नहीं पड़ा। फिर मेरे धीरे धीरे पूरे शरीर में फैल गए और वाइट वाइट से निशान होने लग गए। मैं नरेश जी के पास आई, फिर उन्होंने कहा आप ये सप्लीमेंट लो। उनसे लेने से फिर मुझे ये जो खारिश थी मुझे आराम होने लगा और फिर मेरे को 2-2.5 महीने में बिल्कुल आराम हो गया। मैं ये नरेश जी का और उनकी पूरी टीम का थैंक्स बोलती हूँ। लवली लवली, क्या नरेश जी इनकी कितनी सीवियर प्रॉब्लम थी और किस कारण से इनको सफ़ेद दाग हो गए थे? जैसा कि इन्होंने बताया कि इनको चोट लग गई थी पाँव में और धीरे धीरे वो निशान जो सफ़ेद निशान बना था वो पूरे शरीर में फैल चुका था और इन्होंने काफ़ी सारे इलाज करवाए लेकिन इनको राहत नहीं मिली। और किसी के सुझाव पर ये मेरे पास पहुँची और हमने इनको सप्लीमेंट्स का कॉम्बिनेशन दिया। इसमें लगभग 4 महीने का समय लगा लेकिन आज वो पूरी तरह क्लियर है और वो काफ़ी खुश हैं इस बात से। ग्रेट ग्रेट, दैट्स अ ग्रेट न्यूज़। ये और हमारे व्यूअर्स को भी बहुत मोटिवेट करेगी दैट ज़ायरोपैथी कैन रियली हेल्प देम। दोस्तों, अगर आप भी सफ़ेद दाग से पीड़ित हैं या किसी अन्य हेल्थ प्रॉब्लम से आप परेशान हैं एंड यू रियली वॉन्ट अ प्रॉपर वे जिससे आपको करेक्ट पाथ मिले, जहाँ से आपको ट्रीटमेंट भी मिले और उसका सोल्यूशन भी मिले, देन आई मस्ट से आपको ज़ायरोपैथी को अपनाना चाहिए, नरेश जी को कांटेक्ट करना चाहिए। बस फ़ोन उठाना है, डिटेल्स ऑलरेडी आपके स्क्रीन पे हैं, जल्दी से जल्दी नरेश जी और उनकी टीम को कांटेक्ट करें। नरेश जी, ज़ायरोपैथी किस तरह से सफ़ेद दाग को ट्रीट करती है? सफ़ेद दाग का जो मेन ट्रीटमेंट है उसमें हम मेलानिन के बैलेंस को सही करते हैं जी। उसको करेक्ट करने की कोशिश करते हैं बाय यूजिंग कॉम्बिनेशन ऑफ सप्लीमेंट्स जी। और इसी के जरिए हम उसको ठीक करने का प्रयास करते हैं। ग्रेट ग्रेट, तो इसके साथ ज़ायरोपैथी के साथ क्या आप उनको कोई स्पेसिफिक डाइट सजेस्ट करते हैं इसमें लेने के लिए? ज़ायरोपैथी में चूंकि हम कॉम्बिनेशन ऑफ सप्लीमेंट्स देते हैं जो डाइट का ही एक रूप है। अच्छा, उसमें जो तत्व हैं वो भोजन जैसे ही है, भोजन ही है। It's a supplement, it's a food supplement, तो ये उन deficiencies को खत्म करता है जिसके कारण melanin का balance body में melanin का disbalance होता है, उसको complete करता है। नहीं, but ऐसा जैसे कि कुछ मना करें उनको खाने से कि आप ये ना खाएं, उससे ज्यादा aggravate हो जाएगा? Normally ज़ायरोपैथी में हम दो ही तरह की restriction लोगों को देते हैं जब supplement का combination सुझाव देते हैं, वो है कि अल्कोहल का किसी भी रूप में कंजम्पशन ना करें और टोबैको का कंजम्पशन किसी भी रूप में ना करें। ये दोनों चीज़ों का प्रोहिबिशन हम लोगों को बताते हैं क्योंकि इसका कई जगह पर इंटरफेरेंस है बॉडी के अंदर। That's right. नहीं, बिकॉज कई बार होता है ना कि अगर किसी एक एरिया में है तो वहाँ तो ठीक हो गए लेकिन दूसरे एरिया में फिर जी सफेद बहुत सारे लोग आते हैं, ये बताते हैं कि उन्होंने अलग अलग पद्धतियाँ अपनाई हैं और उनको पहले यहाँ था अब दूसरी जगह हो गया है, या यहाँ था ठीक होने के बाद फिर से वैसे ही हो गया है, हो गया है बंद करने के बाद। ऐसी लोग चीज़ें हमें बताते जरूर हैं जी। लेकिन हमारे जो पेशेंट्स हैं जो इनसे रिकवर हुए हैं उनमें दोबारा आकर ये नहीं बताया कि फिर से इनको हो गया है, तो हम ये मानते हैं कि शायद उन्हें पूरी तरह रिलीफ कंटिन्यू हो रही होगी और इसीलिए वो नहीं आए हमारे पास। दैट्स रियली अमेजिंग और बहुत अच्छा लगा, हमारे व्यूअर्स को भी बहुत मोटिवेशन मिलेगा बिकॉज आई थिंक सफ़ेद दाग एक ऐसी चीज़ है बिकॉज दैट्स क्वाइट विजिबल, तो ये एक सोशल स्टिग्मा भी हो जाता है और बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएटिंग होता है लोगों के लिए कैसे हम फेस करें सोसाइटी को, कैसे बाहर सोशल कम्युनिटीज़ में निकलें। बट आई थिंक बिकॉज ऑफ ज़ायरोपैथी एंड बिकॉज ऑफ यू आई थिंक अब लोगों को इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सो आई वुड थैंक यू फ्रॉम द बिहाफ ऑफ ऑल माई व्यूअर्स। थैंक यू अनुजा। दोस्तों, अगर आप भी सफ़ेद दाग या किसी भी हेल्थ प्रॉब्लम से पीड़ित हैं और आप नरेश जी से सलाह लेना चाहते हैं, ज़ायरोपैथी को अपनाना चाहते हैं, तो बस इस एड्रेस पर कांटेक्ट करें। ज़ायरो हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड, फ्लैट नंबर 02, समता अपार्टमेंट, महावीर एनक्लेव, पानामेरिया, न्यू दिल्ली 110045। हमारे नंबर्स हैं 09313741870 और 09310741871। हमारी ईमेल आईडी है kamayaninaresh@yahoo.com। आप लॉग ऑन भी कर सकते हैं www.zairopathy.com।
So friends, it's time to say goodbye now, but stay tuned for more updates and further episodes of Zyropathy. Stay connected, stay healthy, क्योंकि हमें आपकी फिक्र है. For more videos, subscribe to our channel, Care World.